हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमबीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये ड्यू में भी है ये बुक आपकी। इस बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको हम MPS 2 बोलते हैं। और इस वीडियो को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए, मेरे को व्हाट्सअप भी आए हैं और कमेंट भी आए हैं यूट्यूब पर कि मैम इस वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है या फिर समझ नहीं आ रहा पढ़ के ज़्यादा अच्छे से, तो एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा समझ आएगा। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आज ये बना रही हूँ। वैसे एक्सप्लेन वाली वीडियो मैं अभी कुछ टाइम से बना नहीं रही हूँ, क्योंकि उसका कोई रीज़न है, बट मैंने सोचा अगर इतने सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको, मैं ब्रीफली नहीं बट ओवरऑल मैं इसमें समझाऊंगी कि क्या चीज़ है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो, आपको समझ भी आ जाए, और अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको लिख सको अपनी लैंग्वेज में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में दो दृष्टिकोण पूछे गए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, पहले तो कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार से संबंध है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या चीज़ हो रही है किसी देश के साथ, किसी देश के साथ किस चीज़ पर संधियाँ हो रही है, किस चीज़ पर बात हो रही है। और दूसरी चीज़, इसमें दृष्टिकोण की बात की गई है। तो दृष्टिकोण में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण मतलब कि कौन सी एक ग्रुप का, एक वर्ग का या एक विचारक का क्या दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर। अब जैसे कि आपने सुना होगा, यथार्थवाद दृष्टिकोण सुना होगा, उदारवाद दृष्टिकोण सुना होगा, रचनावाद होती है वो दृष्टिकोण सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है जो मैं आपको अब बता रही हूँ, ये तीन, ठीक है। उसके अलावा जो होते हैं आपके नारीवादी सिद्धांत भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जो पर्यावरणवादी जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं, एक मार्क्सवादी सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो ये हम आज इसमें दो सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। तो हम पहले इसमें पढ़ रहे हैं नारीवादी दृष्टिकोण। तो ये जो आपका ही पैराग्राफ है इसमें बस यही बताया गया, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी लाइन पढ़नी है, पूरा A to Z वर्ड याद करने, नहीं, इसमें से आप बस मेन चीज़ देखिए कि बताई क्या जा रही है, बस वो आपको देखना है, पूरा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो मॉर्गन था हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारे विचारक रखे। तो मॉर्गन थाउ जो है, इनका नाम याद रखो, उनका सन याद रखो कि उन्होंने कौन से सन में कौन सी बुक रिलीज़ की है, बस इस पैराग्राफ में से आपको वही करना और कुछ नहीं लिखना। और ये इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, किसके बाद स्टार्ट हुआ। तो बोल रहे जैसे प्रथम विश्वयुद्ध हुआ था उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इसकी बातचीत है, ज़्यादा चलन में आ गई, क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध से पहले इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी चीज़ को लेकिन, पर प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही एक देश का दूसरे देश के साथ ज़्यादा मतलब कि कनेक्ट होने लग गए, ज़्यादा लेन देन होने लग गया, है ना, आप सभी को ये सब पता होगा। तो वो सब चीज़ इसमें है। और जो बुक का नाम है वो सब बुक आप इसमें से पढ़ लेना, जिसके मॉर्गन थाउ की कौन कौन सी बुक थी ये आप देख लेना, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब यहाँ से मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट है कि नारीवादी दृष्टिकोण, वो जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया वो आप किस में लिखोगे, आप अपने परिचय में लिखोगे, जो हम प्रस्ताव, परिचय, भूमिका जो भी लिखते हैं उसमें आप 5 से 7 लाइन लिख सकते हो, और भी अपने आप से कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ठीक लगे। आगे हम पढ़ेंगे नारीवादी दृष्टिकोण। अब देखिए, नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहले इसकी कोई भूमिका नहीं थी, जो नारी है और उसके जो दृष्टिकोण है पहले वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ भी नहीं बोलती थी, परंतु धीरे धीरे जैसे विकास हुआ, जैसे जो नारी है वो अपना मतलब कि उन्होंने जागरूकता आने लग गई, या फिर उन्होंने जैसे जैसे विकास हुआ तो वो भी उसमें फिर पार्टिसिपेट लेने लग गई, उनका भी फिर एक दृष्टिकोण बना, और उन्होंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण का पहले कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि नारी को अच्छे समझा जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है या विश्व है जो भी है वो पुरुष प्रधान देश होता है, है ना, पुरुष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो सब इसमें बताया जा रहा है, पहले भी ऐसे ही था, तो इसलिए जो महिला की भूमिका है वो कुछ थी नहीं, उसका जो दृष्टिकोण था वो भी कोई इंपॉर्टेंट था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भी फिर अपने इनों का विकास होने लगे, इन्होंने भी फिर अध्ययन करना स्टार्ट करा, अपनी मतलब की मांग को, अपने हक को मांगना स्टार्ट करा। तो ये इसमें बताया है, इसमें बस आप ये जो सन है या फिर एक नाम है आपको याद करने हैं तो करो, नहीं तो एग्ज़ाम में कभी भी गलत सन नहीं लिख के आने, कोई भी सन होते हैं उसको गलत नहीं लिखना होता, अगर आपको याद नहीं है तो स्किप कर दो, याद है लिख दो बहुत अच्छी बात है, पर गलत नहीं लिखना होता। तो सन आपको अगर याद होते हैं वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है,
यहाँ पे फिर यह है कि महिलाओं ने अपने अधिकारों की फिर वकालत करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जो हमारे अधिकार है उनको मांगने लगे, ठीक है, और बताने लगे कि जो महिला की स्थिति है बहुत ख़राब थी, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं इन दोनों को मिला के। फिर अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारी दृष्टिकोण रहा, तो इसमें देखिए, और देखिए फिर इसमें बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत जो नारीवाद ने क्या बोला है कि वो बोलते कि जो हमारा इतिहास है वो इस बात का साक्षी है एकदम कि जो महिला का हर एक चीज़ में जो पार्टिसिपेट है वो हमेशा हर एक चीज़ से वंचित रही है, चाहे वो आपके राजनीतिक से हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक से हो, या फिर आपका क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो, या आपका जीवन जैसा हो, हर एक चीज़ से वंचित रखा गया महिलाओं को। तो ये बताते हैं आगे कि पुरुष को एक अधिकार प्राप्त था उस टाइम पर भी था, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बताते हैं पुरुष का एकाधिकार था और महिलाओं का जो वर्चस्व था वो कुछ भी नहीं था, और पुरुष को इतना ज़्यादा एकाधिकार था, इतना ज़्यादा वर्चस्व था कि वो महिलाओं को दबा के रखते थे, उनके ऊपर अपना वर्चस्व रखते थे, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं आगे कि नारी जो विद्यमान है उन्होंने फिर धीरे धीरे इस बात को समझा और फिर इन सब चीज़ों में परिवर्तन आने लगा, और फिर जो महिला है उन्होंने भी फिर इसमें पार्टिसिपेट लेने लगा। और फिर आगे बताया जा रहा है कि देखिए नारीवाद को, नारी है जो उसको क्यों पीछे रखा गया हर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, क्योंकि इसमें नारी, ये नारी की विशेषता ये होती है कि नारी जो होती है वो नर्म स्वभाव की होती है, शांति होती है, कोमलतावादी होती है, करुणामयी होती है, तो इसमें और वो क्षमताशील होती है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्षमा कर देती है, ये सब होता है। परंतु जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो इस अध्ययन में अराजकता जो होती है, लड़ाई झगड़ा जो होता है, संघर्ष जो होता है, वो बहुत ज़्यादा भरा होता है ना, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो फिर वहाँ पे महिलाओं के जो इनों का जो व्यवहार है शांति कोमल, इन सब चीज़ों की वहाँ ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए महिला को हमेशा इस चीज़ से पीछे रखा गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या इसके अध्ययन में तो लड़ाई झगड़ा संघर्ष और जलीसी भेदभाव इन सब की ज़रूरत होती है, और पर महिला में ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो इसलिए हमेशा महिला को इस वाले अध्ययन से पीछे रखा गया। परंतु धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे विकास हुआ बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि संघर्ष कैसे कम हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है ना, कैसे अराजकता जो होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब कैसे कम हो, ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसलिए महिलाओं को ऐड करा जा रहे हैं, महिलाएं भी इसमें अपना दृष्टिकोण दे रही हैं, क्योंकि महिलाएँ ही एक ऐसे जो लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहती है, उनका व्यवहार अलग होते हैं, तो अब इसलिए उनको ऐड करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर है नारीवाद के तीन रूप और या उसकी शाखाएं, हमको इसमें आने की नारीवाद जो है उसके तीन रूप या उसकी शाखाओं के बारे में बताना है। पहला है विभेद नारीवाद, तो इसको हम देखते हैं, और देखिए इसमें अब ये है जो आपका डिफरेंस फेमिनिम, तो इसमें देखिए विभेद नारीवाद के ऊपर बता रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो नारीवाद है उसमें भी बहुत डिफरेंट तरीके के उनके विचार हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो नारीवाद होते हैं उनके सेम विचारधारा हो, उसमें भी डिफरेंट होता है ना, जिसके पुरुषों के जो विचारक होते हैं उनमें भी डिफरेंट होता है, जिसके मार्क्स अलग है, उदारवाद अलग है, ऐसे महिलाओं में भी होते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि जिसके कुछ जो महिलावादी हैं उनों का विचार ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि नारीवादियों का यह विश्वास नहीं है कि महिलाओं वे सभी कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, मतलब कि उनका ऐसा विश्वास नहीं है कि जो महिलाएं सभी वो कार्य नहीं कर सकती जो पुरुष करते हैं, मतलब उन्हों भी वो भी ऐसे मानती हैं। फिर आगे वो बता रही हैं कि क्योंकि क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो ग्रुप में अच्छा निर्णय ले सकते हैं, है ना, और वो बहुत संघर्ष करते हैं, सामूहिक निर्णय अच्छे से ले सकते हैं, परंतु जो उसकी प्रभावकारी भूमिका भी होती है, परंतु जो महिलाएँ हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे कुछ महिलावादी जो सोच है वो ऐसा सोचती हैं, परंतु कुछ ऐसा सोचती हैं कि सामाजिक संरचना ही नहीं बल्कि जो जैविक आधार होते हैं वो भी पुरुष और महिलाओं में भेद का कारण है, जैसे कि एक तो हमारी सामाजिक संरचना होती है समाज के तौर पे, एक सांस्कृतिक रूप से भी होती है, जैविक रूप से भी होती है ना, तो बोलती है वो भी एक भेद का कारण होता है हमारा। तो फिर आगे वो बता रहे हैं कि अनिवार्य नहीं है कि, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि महिला
जो है वो संस्कृति के आधार पर अधिक निर्भर करता है कि जो भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ वो संस्कृति आधार पे ज़्यादा निर्भर करता है, जैविक आधार जो है उस पे कम निर्भर करता है। मतलब कि आपका जो भेदभाव हो रहा है महिला पुरुष में वो संस्कृति आधार पे ज़्यादा, संस्कृति आधार पे कैसे, जैसे कि आपकी संस्कृति की होगी, आपके जो रूढ़िवादी सोच हो गई है उस पे तो भेदभाव ज़्यादा निर्भर करता है। जैविक आधार तो ये हो गया कि हम जैसे जिस फील्ड में पैदा हुए हैं या फिर हम जैसे महिलाएँ पुरुष है उसमें ज़्यादा भेदभाव कुछ नहीं है, ठीक है, उस पर कोई ज़्यादा मतलब कि अंतर नहीं है। खाली किस पे भेदभाव स्टार्ट कैसे हुआ है, सांस्कृतिक आधार पे, जो समाज है सांस्कृतिक है उसके आधार पे ही भेदभाव जो है वो शुरू हुआ है, और ये सब परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसका ही कारण है। परंपरागत जो पुरानी सोच थी उसके कारण ही ये सब हुआ है भेदभाव, ऐसे थोड़ी है कि अभी के टाइम से हुआ है ना। तो ये अब है उदारवादी दृष्टिकोण कि उदार जो है वो नारीवाद जो है उसमें क्या सोच है। उदार नारीवाद भी है, हर एक अलग अलग फील्ड में भी नारी की अलग अलग विशेषताएं, उनके भी अलग अलग दृष्टिकोण है। तो उदार के ऊपर देखते हैं, देखिए उदारवादी दृष्टिकोण है वो ऐसे बोलते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण में है कि पुरुष जो होते हैं और महिला जो होती है दोनों समान हैं। ऊपर हमने पढ़ा है कि पुरुष और महिला जो हैं उनके कार्य करने में डिफरेंट होते हैं, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती, ऐसे आधे सोचती होंगी कोई महिला। परंतु यहाँ पर उदारवाद में ये सोचा गया है कि पुरुष जो और जो नारी है वो समान है, दोनों को एक जैसा ही मतलब कि हर एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, परंतु क्या है कि नारी को हर एक चीज़ से वंचित रखा गया है ना। और ये वाली जो वंचित रखा गया इसकी वो निंदा भी करते हैं, जो उदार नारीवाद है वो इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि महिलाओं को हर एक चीज़ में शामिल होना चाहिए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, उसकी प्रकृति होगी, इन सब में उनको शामिल होना चाहिए। और उदारवादी यही चाहते हैं कि जैसे कि जब वो उसमें शामिल होंगी उसकी प्रकृति में तो उसमें अंतर भी आएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें अंतर पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। फिर आगे देखिए क्या बताते हैं वो, और आगे उदारवादी ऐसे बोलते हैं कि जब हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब उनको मतलब कि सम्मान दिया जाता है, उनको वो हक अधिकार दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो भी पुरुषों के समान ही काम करती है। मतलब कि अलग से कुछ ऐसा नहीं कि अलग से दिखे कि हाँ ये तो महिला ऐसा है, वो पुरुषों की तरह फिर व्यवहार करती है, सारा काम अच्छे से करती है, सब निभाती है। और वो जो यथार्थवाद दृष्टिकोण है इसकी आलोचना करती है, क्योंकि यथार्थवाद दृष्टिकोण इसको अस्वीकार करते हैं, वो बोलते नहीं महिलावादी जो है महिलावादी दृष्टिकोण है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो इसकी आलोचना करते हैं, किसके यथार्थवाद की। और फिर वो ऐसे बोलते हैं कि जो पुरुष मतलब कि बोल रहे हैं इसमें कि जो महिलावादी दृष्टिकोण है वो ऐसे बोल रही है इसमें उदारवादी दृष्टिकोण कि हमको जैसे कि जो सेना सेवाएँ होती हैं, सैनिक जो सेवाएँ होती हैं जैसे पुरुष को दी जाती है, ऐसे महिलाओं को भी दी जाए, महिलाओं को भी उसमें भागीदारी रखा जाए, ताकि जो भेदभाव है ये खत्म हो जाए और एकीकरण हो, मतलब कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे। तो आपको ये उदारवादी समझ आ गया होगा, उससे पहले डिफरेंट था और फिर उदारवादी। तीसरा पॉइंट है उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो आप ये जो पॉइंट है इन्हों को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट याद करो, इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया उसको अपने अकॉर्डिंग बना के लिख दो, और बाकी एक दो बार पढ़ भी लो अगर आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ ज़रूर लेना, ताकि आपके पास और ज़्यादा नॉलेज इसकी हो जाए और ज़्यादा लिखने को मटेरियल मिल जाए। अब हम पढ़ेंगे उत्तर आधुनिक नारीवाद। अब देखिए जो उत्तर आधुनिक नारीवाद है वो किस पे बात कर रही है, इसमें युद्ध के ऊपर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो जैसे कि युद्ध में एक जो पुरुष होता है खाली युद्ध के लिए बना है, वो इसके बिल्कुल मतलब कि नकारते हैं, कहते हैं खाली जो पुरुष है वही युद्ध एकमात्र नहीं है कि हाँ पुरुष है युद्ध करेगा सब चीज़ जीतेगा, ऐसा नहीं है, महिला भी पूरा पार्टिसिपेट करती है अपना, महिला को भी पीड़ित जो होती है, महिला को भी सब सहना पड़ता है ना युद्ध के दौरान, तो महिला अपनी पूरी भागीदारी और पूरी सक्रिय रहती है युद्ध के दौरान भी। आप सब देखते हैं जब युद्ध होते लड़ाई होती है तो महिला का पूरा पार्टिसिपेट रहता है, महिला खाली घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर नहीं रहती है, वो दवाइयों में अपना खाना उना उनको पहुंचाने में, मरम पट्टी करने में, ठीक है, जो भी उनको सामग्री चाहिए होती है वो देने में, युद्ध के टाइम की बात हो रही है पहले के टाइम की, तो महिला का पूरा पार्टिसिपेट रहता है। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं की पूरी भूमिका रहती है, खाली पुरुष ही अकेला कुछ नहीं कर सकता युद्ध में, महिला को पूरा पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें बस यही है जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी।
होती है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें यह है कि खाली महिला कोई सुंदर आत्मा नहीं, ऐसा मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि महिला एक सुंदर आत्मा होती है और युद्ध जो पुरुष होता है वो योद्धा होता है, ठीक है, तो ये बोलते हैं लोग। परंतु जो उत्तर आधुनिक नारीवाद है वो इससे नकारती हैं, बोलती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पुरुष है वो युद्ध करता है परंतु महिला की भी पूरी भागीदारी होती है, वो भी अपना सक्रिय भागीदारी जो होती है वो निभाती है। आगे इसमें जैसे कि पत्र, जो पत्र उत्तर लिखती हैं या फिर जो भी इसमें जो पत्नी होती हैं या फिर जो हैं माताएं होती हैं, ये भी पूरा अपना संयोग देती है, अपने संतान को सिखाती है सब चीज़, और ये भी पीड़ित होती है जब इन लोगों के योद्धा बेटा होते हैं जो भी हैं, अगर वो नहीं रहते तो उनको भी सब चीज़ की पीड़ा सहनी होती है, तो महिला की भी पूरी भागीदारी इसमें रहती है, आप ये पढ़ सकते हैं। अब है उदारवादी दृष्टिकोण, इसमें देखते हैं हमने तो पहले पढ़ लिया नारीवादी दृष्टिकोण, इसमें दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, नारीवादी और उदारवादी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे हैं। अब ये दोनों दृष्टिकोण अलग अलग से भी आपके पेपर में आ सकते हैं, खाली ऐसा पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण बताइए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण बताइए या फिर दो दृष्टिकोण बताइए, तो अगर इसमें आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नारीवादी दृष्टिकोण उदारवादी दृष्टिकोण तो वो स्किप कर देना आप, क्योंकि ये कर लोगे ये इनफ है, या फिर वो कर लेना ये स्किप कर देना, क्योंकि आपको मैं वो डबल डबल नहीं समझाऊंगी, आपको मैंने ये समझा दिया उसमें वैसे ही बना के लिख देना। तो उदारवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं हम। देखिए जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो पहले होता क्या है वो हम इसमें जानेंगे। उदारवाद जो दृष्टिकोण होता है वो ऐसा सोचता है कि व्यक्ति ही सब है, मतलब कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदारवादी दृष्टिकोण में, और वो विरोध किसका करते हैं, जैसे कि आपका राजशाही हो गया या साम्राज्यवाद हो गया, ठीक है, जो मतलब कि अपना शासन जमा के रखती है ना जो भी, उनों के विरोध में था ये, और वो पक्ष में किसके थे, वो बोलते कि हमको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति अपना विकास से अपनी स्वतंत्रता से जो करना चाहिए उसको करने देना चाहिए, और व्यक्ति के लिए ही जो संस्था होती है, जो सरकार होती है, ये जो भी होता है वो व्यक्ति के लिए बनता है, तो व्यक्ति इसमें मुख्य केंद्र हुए हैं इसमें, और बाकी सब चीज़ जो है जो व्यक्ति के विरोध है वो उस सबका विरोध करते हैं इसमें, तो इसमें मेन चीज़ यही है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा है, बाकी आप इसको पढ़ोगे इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज है इस वाले पैराग्राफ में, तो आप समझ जाओगे। जैसे कि बोल रहे कि विशेष अधिकार जो देते हैं, मतलब कि साम्राज्यवाद या सामंतशाही जो होते हैं, इन सब व्यवस्था के विरोध में है। फिर बोल रहे हैं कि इसमें फिर है विरोध का मुख्य नारा क्या है इसमें, कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इसका बेस पॉइंट है जो एकदम। फिर बोलते हैं कि निरंकुश शासन जो होता है या फिर बल प्रयोग कोई भी हम सत्ता स्वतंत्रता सत्ता प्राप्त करना है, ये इस मतलब कि ये इसका विरोध करते हैं, और इन्हों को स्वतंत्रता जो है एकदम अच्छी तरीके से चाहिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भी चाहते हैं, और ये बोलते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो बुद्धि और शक्ति से अपने अनुसार अपना विकास और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता की मांग के अनुसार कि उदारवाद की स्वतंत्रता जो है, मतलब कि उदारवाद है उनके अनुसार यह है कि व्यक्ति जो है वो केंद्र व्यक्ति हो, मतलब कि केंद्र जो पूरा है वो व्यक्ति के ऊपर है इसमें, ठीक है, और जो संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं वो सब व्यक्ति के लिए ही काम करती है, व्यक्ति के भलाई के लिए करते हैं, ना कि वह मतलब कि व्यक्ति के लिए सब कुछ करें उसको सोच के करें, ना कि अपने खुद के लिए करें, तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और एक आदर्श मतलब कि आदर्शवाद है, मतलब कि जो इसमें आपका उदारवाद में एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, यहाँ पे है बोले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन का उदारवादी उपागम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन में उदारवादी उपागम, ये सेम लिखे हैं। अच्छा ये पॉइंट है आपका, फिर ये इसका ये है बोले उदारवादी विचारधारा के उपज के रूप में माना जाता है। ये बोले कि जो उदारवाद का मतलब कि सोच या फिर इसकी जो उपज है वो किसके रूप में मानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में जो उदारवादी विचारधारा है इसको उपज के रूप में समझा जाता है। और आगे देखिए और बोले जो जॉन लॉक है का ये है आगे वाला, ये दोनों जो है इसको उदारवाद के आत्मा मान जाती है। आप जॉन लॉक के बारे में आपने सुना होगा, जॉन लॉक को उदारवाद के आत्मा कही जाती है, क्योंकि जॉन लॉक ने उदारवाद के ऊपर अपनी दृष्टि रखी, उन्होंने ही सब चीज़ स्टार्ट की उदारवाद के ऊपर, तो इसलिए उसको मेन माना जाता है। जैसे कि गांधीवादी विचारधारा होती है तो गांधी जी को मेन माना जाता है, उसी तरीके से उदारवादी विचारधारा में जॉन लॉक को मेन माना जाते हैं। और फिर बता रहे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद एक विशाल आंदोलन है, कि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण
से देखेंगे इसको तो उदारवाद एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में है, और वो आंदोलन किसके लिए है, लोगों के लिए है, मतलब कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है उसके ऊपर केंद्रित है, और मनुष्य की रक्षा करना या फिर मनुष्य को प्राथमिकता देना, इन सब के ऊपर इसमें बात की गई है। तो आप इसको भी पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और इसमें राज्य का जो दायित्व है उसके ऊपर बात की है कि राज्य जो होता है उसका दायित्व है कि जो मनुष्य है उसको स्वतंत्रता दे, उसकी रक्षा करे, है ना, और उसको विकास करने में सहायता दे, ना कि वह अपने हित की रक्षा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और फिर इस प्रकार उदारवादी उपागम के बारे में इसमें बता रहे, मान्यता को इस प्रकार देखा जा सकता है, जिसके अब इसमें पॉइंट वाइज बताया जाएगा कि किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट है ये ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको बस ऐसे ओवरऑल बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें बस यही सब चीज़ें आपको जब मेन चीज़ पता चल गई कि उदारवाद में व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसको सरकार को या फिर जो भी विद्रोह मतलब कि जो भी व्यक्ति को दबाता है उसको विरोध किया जाता है, तो वही सब आप फिर बना बना के इसको दोबारा से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है बहुत उसके पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब कार्य कर सकता है, है ना। और इसमें ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति को ही सबसे इम्पॉर्टेंट मान गया है, उसको एक केंद्रीय तत्व माना गया है, और संपूर्ण प्रगति के लिए कि व्यक्ति के ही हित की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताइए, जो मनुष्य की मतलब कि अच्छाई, मनुष्य की अच्छाई करो इसके अंदर, और जो भी आपका जो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम संगठन बोलते हैं, सरकार है या फिर कोई भी कार्य है, वो सब मनुष्य के हित में होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की इसमें बात की गई है। तो ये आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मेरा एक ही पोर्शन ये इतना लेंथी हो गया, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट में भी यही है कि राज्यों को अपने हित में या फिर उसमें परिवर्तन करना चाहिए, लोगों के लिए सोचना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो राज्य हैं उसको एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। आदर्श समाज वो होता है जिसके अंदर सभी को इक्वल देखा जाए, ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए। और फिर बता रहे भी कहना है कि व्यक्ति राज्य हित और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तत्वों और आंतरिक कारकों से प्रभावित होता है, कि जो एक व्यक्ति है, एक तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो बातें होती हैं और जो आंतरिक बातें होती हैं देश के अंदर, उन सबसे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए सही से चलना चाहिए सब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, आंतरिक स्तर पर भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तभी जो व्यक्ति है वो सही से अपना विकास कर पाएगा, अपने कार्य कर पाएगा, समाज में सब चीज़ अच्छे से हो पाएगी। ये सब इस वाले पॉइंट में है, फोर्थ पॉइंट में। उदारवादी उपागम का ये भी मांगना है कि खुली बातचीत होनी चाहिए, परस्पर निर्भरता होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी पारस्परिक निर्भरता हो, पारदर्शी हो, अच्छे से बातचीत हो, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, ये सब चीज़ होनी चाहिए जिससे कि जो भी संघर्ष होता है, दुविधा होती है, वो सब दूर हो जाए। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही है, बाकी आप निष्कर्ष में आप दोनों की बातें लिख सकते हैं, नारीवाद की और उदारवाद की। अब नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण, तो मैं इसको अब स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है। बाकी इसमें कुछ और पॉइंट आपको अलग से लगेंगे, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देती हूँ आप यहाँ, क्योंकि सेम ही आप देखोगे सारे पॉइंट, बट ये है कि आप जो अलग अलग है वो पढ़ लो, वो ज़्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको फिर ज़्यादा मटेरियल मिलेगा लिखने का, क्योंकि अलग अलग आएगा 20 मार्क्स का आएगा, तो आपको लिखना ज़्यादा होता है उसमें, है ना। अगर दोनों एक ही में करोगे तो छोटा छोटा लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में तो जाएगा, इसलिए, क्योंकि देखिए इसमें वाला पॉइंट अलग से, अब युद्ध और शांति में लैंगिक किल्लू और युद्ध और शांति वहाँ पे बहुत छोटा एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि इसमें बताया था ना जो नारी होती है वो शांतिपूर्ण रहना चाहती है ना, युद्ध उद्ध नहीं करें और इन सब में अच्छी रहती है, तो वो सब बातें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लें। निष्कर्ष है, निष्कर्ष तो आप नारीवाद का जितना मैंने समझा है उसका ओवरऑल छोटा करके लिख करो, वो निष्कर्ष बन जाता है कि आप क्या सोचते हैं, वो भी लिखना उसमें ज़रूरी थी कि आप क्या निष्कर्ष में ये होता है। थर्ड क्वेश्चन है क्षेत्रवाद के सैद्धांतिक, इसको हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होते हैं। देखिए इसमें क्षेत्रवाद में क्या बताया जा रहा है कि क्षेत्रवाद पहले के टाइम पे क्या होता था कि क्षेत्रवाद को एक राज्य के रूप में देखा, क्षेत्रवाद को एक देश के रूप में देखा जाता था कि एक क्षेत्रवाद है कि एक क्षेत्र पे जो देश है वो क्षेत्रवाद है, परंतु आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक जो देश होता है उसके अंदर कितने छोटे छोटे राज्य होते हैं, कितने छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। तो ये अब उसकी बात कर रहे हैं कि क्षेत्रवाद में पहले तो हम देखते थे कि एक क्षेत्रीय आधार या संगठित होने या सहयोग
करने के ऊपर था, ठीक है। परंतु अगर हम आज देखते हैं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं, तो संगठन या सदस्य होते हैं, मतलब कि क्षेत्र में अनेक, मतलब कि एक राष्ट्र में अनेक क्षेत्र या संगठन होते हैं। जैसे कि हम बोले भारत है, भारत में कितने सारे राज्य हैं, ठीक है, वो हैं। या फिर एक देश ही समझ लीजिए, उसके अंदर भी बहुत सारे देश होते हैं। ऐसा भी है, अमेरिका है, अमेरिका में कितने छोटे छोटे देश हैं, अलग अलग देश हैं, ऐसे भी है। तो उन सब चीज़ों की बात करी जा रही है। तो इसमें बताइए ना कि क्षेत्रवाद में क्या होता है, कि आपसी संयोग की बात की जा रही है, कि जैसे कि एक क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र के साथ एक संधि करता है, एक समझौता करता है सहायता का, कि अगर मेरे देश, मेरे मतलब कि हाँ हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमारी हेल्प करोगे, चाहे वो पानी को लेके हो, पैसे को लेकर हो, ऐसे संधियाँ होती हैं, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे ही इसमें संयोग की बात होती है, कि वो एक दूसरे का सहयोग देंगे, सहायता देंगे। अब इसमें बता रहे कि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका कार्यकवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, उत्तर अंतर सरकारवाद हो गया, रचनावाद हो गया, और बहुस्तरीय शासन। तो क्षेत्रवाद के अंदर इतने सारी चीज़ें, इतने सारे मतलब सिद्धांत है जो आपके आते हैं। और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि क्षेत्रवाद क्या होता है, इसके अंदर एक दूसरे की सहायता देते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तो वो वचनबद्ध हो जाते हैं, कि उनको हेल्प करनी ही पड़ती है एक दूसरे की। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे देखिए, अब इसके अंदर वही एक्सप्लेन किए हैं जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, उसी को फिर एक्सप्लेन कर दिया है, कि जैसे कि आपका क्रियात्मक जो वाद होता है वो क्या होता है, तो उसमें वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो क्रियात्मक वाद है और नव क्रियात्मक वाद है, दोनों के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो क्रियात्मक और नव क्रियात्मक है, इसमें ये होता है कि वो मनुष्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि वो यूँ बोलते हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय और राज्य हैं वो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं, उसमें वो मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर जो राजनीतिक होती है, विरोध होता है, तनाव होता है, युद्ध होते हैं, इन सबको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा एक मतलब कि राज्य होता है, एक देश है, राष्ट्रीय है, वो अब हमारी जो आवश्यकताएँ होती हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाता थे, पर कर पा रहा भी नहीं है आज के टाइम पे। तो इसलिए हमको विरोध, तनाव, ये सब दूर करना होगा, जिससे क्या होगा कि जो मनुष्य हैं वो आर्थिक राजनीतिक स्तर पर उनका कल्याण हो सकेगा, ठीक है। और ध्यान भी हमें देना चाहिए कि जो व्यक्ति हैं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक, इसका कल्याण के लिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम इनों के लिए कुछ हेल्प कर सकें, इनों का विकास कर सकें। और हमको ये जो राज्य की सीमाएं होती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम ये देखें कि हमारा देश, मतलब कि हमारी सीमाएँ कोई हड़प ले आ रहा। सिक्योरिटी, आप देखते हो ना सीमा के ऊपर सब चीज़ कितना ध्यान दिया जाता है हर चीज़ में, उनको ध्यान ना देते हुए हमें समाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें कार्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो मनुष्य है, जो समाज है, उसका हम विकास कर सके, कल्याण कर सके, जो सामाजिक आर्थिक है आपसे सहयोग कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। आगे हैं, जो सामाजिक आवश्यकता होती है या हित होते हैं उसकी पूर्ति के लिए हमें जो राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक होती है ना, उसका विरोध करना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमें की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होती है, राजनीतिक होती है, उन सब समस्या को अगर हम दूर कर देंगे तो हम ये सब चीज़ें पूरी कर पाएंगे। और इसका ये भी मानना है कि जो क्रियात्मक होता है वो संयोग और विकास और अन्य क्षेत्रों में विकास के आधार पर बनेगा, मतलब कि अगर आपको क्रियात्मक बनानी है चीज़ें तो किससे होंगी, अगर आप संयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ विकास करते हैं, है ना, अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं, सामाजिक आर्थिक एकीकरण होते हैं, तब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो इसमें ओवरऑल ये है जो आपका क्षेत्रवाद होता है उसके अंदर, तो ऊपर मैंने बता दिया क्षेत्रवाद क्या होते हैं, और ये जो आपका क्रियात्मक है इसमें ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। अब यथार्थवाद क्या हम पढ़ेंगे। देखिए, जो यथार्थवाद जो दृष्टिकोण होता है ये राज्य को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ये बोलते हैं कि राज्य की जो प्राथमिकता है वो अंतर्राष्ट्रीय में शांति या विवरण की स्थिति से निर्धारित होती है, मतलब कि अगर आपकी राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो शक्तिशाली है, तो आप फिर दिखोगे, आपकी स्थिति दिखेगी कि आप किस स्थिति में हो। तो ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर राज्य मजबूत हैं तभी आपका देश अच्छे से चल पाएगा, आपके देश के अंदर जो भी गतिविधियाँ अच्छे से हो पाएंगी, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही हैं।
और देखिए इसमें फिर ये है कि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अच्छे हैं, तभी ये समझा जाएगा कि आपका देश भी अंदर से अच्छे से चल रहा है। और ये बता रहे कि क्या होते हैं कि जो राज्य होते हैं वो जब किसी के साथ सदस्यता ग्रहण करता है या फिर किसी के साथ कोई समझौता करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक उस चीज़ का सहयोग करता है, मतलब कि उस चीज़ कुछ मानना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, तो फिर पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो निभाने के लिए एक शक्तिशाली राज्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कमज़ोर से राज्य हो या फिर आपका राज्य ही नहीं सही से, तो आप किसी की क्या हेल्प करोगे, तो वो सब चीज़ें एक शक्तिशाली राज्य होगा। तो इसमें एग्जाम्पल दिए जैसे कि आपका शीत युद्ध हुआ था उसके दौरान दो गुट बन गए थे, तो इसके अंदर शक्तिशाली राज्य तभी वो एक दूसरे देश का साथ दे पा रहे थे, तो या फिर सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर रखी थी जिस देश के साथ, तो वो उस देश की फिर हेल्प भी कर रहे थे चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। तो वो सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब इसमें बताए जा रहे हैं। तो जो इसके पॉइंट हैं याद कर लेना, इन पॉइंट के अंदर जो मैं बता रही हूँ उसको फिर आप एक और अपनी लैंग्वेज में जो आपको फिर समझ आ रहा है उसको फिर वैसे लिखो, ठीक है। और हाँ इसमें है थोड़ी की समझने में दिक्कत हो सकती है आप स्टूडेंट्स को, पर मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। और देखिए स्टूडेंट मेरे एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आप सबके, मैंने सोचा ठीक है मैं एक वीडियो बना देती हूँ, बट मेरे एग्ज़ाम है और वो भी बहुत दिन तक चलने वाले हैं, तो मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आगे है आपका उदार अंतर सरकारवाद जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो वो हम पढ़ते हैं। इसके अंदर ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, इसमें बताया जा रहा है जिसकी हमने अभी ऊपर पढ़ा था नव कार्यात्मकवाद जो था उसके अंदर क्या था, समाज जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी ना कि राज्य को। वैसे बोल जा रहा कि राज्य समाज के लिए हमको अच्छा करना चाहिए, उसके कल्याण के लिए करना चाहिए, परंतु इसके अंदर विपरीत बात है। इसमें ये बोला जा रहा है अगर आपका राज्य अच्छा हो फिर राज्य जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही फिर आप समाज की हेल्प कर सकेंगे, उसके हित की रक्षा कर सकेंगे, तो इसलिए इसमें समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। उसकी जो सीमाएं हैं या फिर समाज में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी संगठन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसको ज़्यादा मजबूत बनाओ, ज़्यादा शक्तियाँ दो जिससे कि वो समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हित जो है उसको पूरा कर सके। तो इन दोनों में डिफरेंट ही आपको इसमें लिखना है, हमने जो क्रियात्मक नव क्रियात्मक में पढ़ा है वो उसका उल्टा इसमें आपको इसमें लिख देना है। फिर इसमें आगे बताया जा रहे हैं कि इसमें आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो राजनीतिक प्रक्रिया वो बहुत मजबूत और बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हित समीकरण अंतर्राष्ट्रीय अंतर से जो मतलब कि इसमें अच्छे से लागू करनी चाहिए अपने सारी चीज़ों को, अपने निर्णय को, जो सरकार होती है उसको अपने निर्णय को अपने कानून को अच्छे से लागू करनी चाहिए ताकि वो देश का जो नेता है वो अच्छे से सब कुछ संभाल पाए और जो समाज है उसके हितों को पूरा कर पाए, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं देखती हूँ। तो इसमें बस यही है कि नव कार्यात्मकवाद है उसके विरोध में मतलब उसके अपोजिट में जो आपका अंतर सरकारवाद है वो किसको बल देता है, राज्य को, उसकी संस्था को, उसके हित की बात या फिर उसके अंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि उसका जितना अच्छा प्रतिनिधित्व होगा उतना अच्छा देश चलेगा, उतने अच्छे हम समाज की हेल्प कर पाएंगे, तो बस उसका उल्टा आपको इसमें लिख देना है। तो ये तो हो गया, अब रचनावाद भी हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। और देखिए स्टूडेंट ये जो मैं आपको टिप्पणी में भी आ सकते हो, टिप्पणी में आपको क्या पूछा जाएगा कि नव कार्यात्मकवाद क्या होते हैं, रचनावाद क्या होते हैं, या फिर आपका मार्क्सवाद क्या होता है, ऐसे टिप्पणी में भी आपका खाली छोटा पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं आपको शॉर्ट में भी समझा रही हूँ अगर आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप इसको बहुत ज़्यादा बना के अच्छे से लिख भी सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर होता क्या है। रचनावाद देखते हैं अब हम, देखिए रचनावाद में बता रहे कि रचनावाद जो विचारधारक है, जो सिद्धांत है, ये पश्चिमी यूरोप में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पश्चिमी यूरोप में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और बता रहे हैं इसमें आप एकीकरण जो प्रक्रिया होती है जिसकी भौतिक जो तत्व होते हैं इन सब की अपेक्षा वह मानकों और पहचान की भूमिका पर अधिक बल देते हैं, मतलब कि ये भौतिक तत्व जो होते हैं इन सबको हटाते हुए विचार जो होते हैं हमारे, मानक जो होते हैं, पहचान जो होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसमें
माने जाते हैं कि जो मानव मतलब कि मानव के जो विचार है, चिंतन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और ये रचनावाद कहलाते हैं। फिर बोले कि जो मानक मात्र अवरोधक होते हैं, परंतु अभिकर्ता की रचना मतलब कि जो अभिकर्ता होता है वो एक रचना के रूप में सब चीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई चीज़ है, उसमें आपको खाली आपने मतलब कि कोई चीज़ देखी हुई है, पर कोई एक इंसान है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे ना। या फिर कोई इंसान एक चीज़ ला के रख दिया, तो वो ला के रख दिया, हमको समझ नहीं आया क्या है, पर किसी ने उसको एक्सप्लेन किया तो उसको ज़्यादा हम महत्व देंगे। तो जिसने एक्सप्लेन किया वो इसमें उसको ज़्यादा दी जाती है, मतलब ये है इसमें। और ये बता रहे हैं कि एकीकरण में क्या होता है कि क्यों और कैसे मतलब कि इस सब चीज़ों पे बात होती है, परंतु तार्किक चीज़ों पे बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को रचनावाद में, और बाकी क्यों कैसे ये चलती है इस बात की बात की है। मतलब कि इसमें ये है ओवरऑल कि इसमें जो होते हैं तार्किक होती है, बुद्धि होती है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बस आप इतना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर यहाँ पे भी ये लिखा है, रचनावादी उपागम की सबसे बड़ी कमी यह है कि यथार्थवाद तथा अंतर सरकारवाद के विपरीत यह अभी तक शोध की रणनीति तक नहीं पहुँच पाया। मतलब कि ये देखिए, यथार्थवाद और जो आपकी सरकारवाद है, ये है ना, ये ज़्यादा व्यक्ति की सोच है, इन सब पे इम्पोर्टेंस तो देती नहीं है, परंतु ये इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो इन सब का विरोध करते हैं। ये बोलते कि ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा बुद्धि पर ध्यान दीजिए, है ना, मानक पर ध्यान दीजिए, परंतु यथार्थवाद सरकारवाद तो इन पे ध्यान ही नहीं देते, तो इसलिए रचनावाद को इसका विरोध करना चाहिए, परंतु वो इसकी मतलब रणनीति का अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, वो ऐसे इसमें बता रहे हैं, ये इसमें कमी बता रहे हैं कि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो वो दूसरा इंसान अगर वही चीज़ कर रहा है तो उसका विरोध करिए, पर कर नहीं रहे। फिर है बहुस्तरीय शासन, अब इसको हम पढ़ते हैं, बहुस्तरीय शासन क्या होता है। देखिए, जो आपका बहुस्तरीय शासन है, इसमें से आपको नाम से ही पता चलेगा, बहुस्तरीय शासन मतलब कि बहुत सारे लोगों का शासन हो, ठीक है, अलग अलग स्तर पे। तो इसमें ये क्या है कि ये इसको मतलब कि उसका विरोध करते हैं कि जहाँ पे एक ही शासन करने वाला हो, एक ही निर्णय करने वाला हो, ठीक है, वही अपनी बातों को दूसरे पे थोपे, ये इसका विरोध करते हैं। ये बोलते हैं कि हम बहुत सारे स्तर पर निर्णय लेने वाले होने चाहिए, उसकी व्यवस्था करने वाले होने चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे अभिकर्ता होने चाहिए, अलग अलग लोग होने चाहिए जो अपनी बातों को रख सके, ना कि एक हेड हो, ऐसा ये इसका विरोध करते हैं। एक अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं। तो बस इसमें यही है कि बहुस्तरीय शासन से आप यही समझ सकते हैं कि इसमें सारे लोगों का सभी लोगों का निर्णय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उनका पार्टिसिपेट हो गया, क्या कहते हैं, वो हेल्प जो कर रहे हैं सभी करें, ठीक है, ये नहीं कि एक इंसान अपने थोपे किसी के ऊपर। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इसमें बात की जा रही है। तो ये वीडियो मैं सोच रही हूँ अब इसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो मैं लोड कर देती हूँ। प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन मैं भी और आपको अपलोड